हिंदू धर्म में एकादशी का बेहद अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवठौन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवठौर एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयनकाल पूरा करने के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का भी आयोजन होता है। इसी दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवम्बर को है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि किस तरह से होने वाली है। एकादशी की जो तिथि है उसका प्रारंभ होगा नवंबर 22 तारीख से 11:03 PM पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 नवंबर 2023 9:01 पर यानी कि रात में। पारण का टाइम आपको बताएं तो व्रत तोड़ने का समय रहेगा 24 नवंबर सुबह 6:51 से लेकर 8:57 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने के बाद 7:06 तक रहने वाला है। एकादशी पूजा विधि पर बात कर लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना आपको आध्यात्मिक लाभ पहुंचाता है। अब आपको एकादशी व्रत पूजा सामग्री की वो लिस्ट बता देते हैं। आप अपनी तरफ से इसमें कुछ और सामग्री अपने पारंपरिक रिचुअल रस्मों के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसमें पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान शामिल हैं।